वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ड्रिलिंग ऑफ होल्स फॉर फिश प्लेट फिक्सिंग एंड कटिंग ऑफ रेल्स, चैम्फरिंग ऑफ बोल्ट होल्स, आपका सीरिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रैक की एडिशनल नॉलेज दूंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और एज ए इंजीनियर आपको प्रैक्टिकली आपको साइट पर काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए, ये हमारी ड्रिल मशीन है। हम लोग अभी फिलहाल में फिश प्लेट को फिक्स करने के लिए बोल्ट होल करने जा रहे हैं। पहला आपका आपके एंड ऑफ द जो भी आपका वेब है और एंड ऑफ द जो रेल है उससे पहला होल आपका 3.25 इंच पे होता है, सेकंड होल उससे 6.5 इंच पे होता है और थर्ड होल उससे आपका 6.5 इंच पे होता है। कॉन्सिक्यूटिव चलते हैं। इस ड्रिल का जो ये फ्रेम है इसको हम लोग ग्राइंड करने के लिए, हमारा ड्रिल मशीन के ऊपर ही फंक्शन होता है, इससे हम लोग ग्राइंड भी कर सकते हैं। केरोसिन एंड पेट्रोल ऑयल इसमें डाला जाता है जिससे ये ऑपरेट होती है आपकी ड्रिल मशीन। तो अब मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ड्रिल करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग ड्रिलिंग हमारी स्टार्ट हो गई है, देखिएगा। वाटर का वाटर हमने डाला है एवरेजन को घटाने के लिए, जनरल केस में होल्स को बोल्ट होल करवाने के लिए ये हमारा मशीन चल रही है। ये ग्राइंडिंग है, यहाँ पर हम लोग इस फर्मे की ग्राइंडिंग करवाते हैं इसके द्वारा। जो भी हमारा बिट है उस बिट को धार लगाने के लिए, ग्राइंड करवाने के लिए ये हमारा काम आता है। तो ये हमने अपनी फिश प्लेट को फिक्स करने के लिए रेल के एक पैनल में मैंने 3 होल कर दिए हैं। पहला होल आपका एंड ऑफ द रेल से 3.25 इंच पे होता है, सेकंड होल इस पर्टिकुलर होल से 6.5 इंच पे होता है, थर्ड होल इस पर्टिकुलर होल से आपका 6.5 इंच पे होता है। इसके बाद हम लोग इसकी चैम्फरिंग करवाएंगे सच दैट कि आपका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका यूनिफॉर्म हो जाए। चैम्फरिंग करवाने के बाद ही हम लोग इसमें फिश बोल्ट लगाते हैं। ये जो आपका होल होते हैं इसका जो डायमीटर होता है दैट इज 26.6 mm होता है। अब हम लोग इसकी फिश बोल्ट्स की होल्स के लिए आपकी चैम्फरिंग करने जा रहे हैं। तो ये हमारा चैम्फरिंग टूल है, ये हमारा चैम्फरिंग टूल है। इसमें आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ग्रूव बना हुआ है जो क्या है कि होल को टाइट करने पे वहाँ से थ्रेड से तोड़ देता है उसको, साइड है उसकी, और उसकी वजह से उस पर श्रिंकेज डेवलप नहीं होते। इसको लगाने के बाद हम ये टॉर्क रेंच है इसको उसमें फिट कर देते हैं और उसको टॉर्क रेंच को घुमाते हैं तो ये अपना टाइट होने की वजह से उसका थ्रेड टूट जाता है साइड साइड से। अभी हम आपको लगा के दिखाएंगे। ये हमारा चैम्फरिंग प्रोसेस चला हुआ है। आपके जो फिश प्लेट फिक्स करते हैं उसके बोल्ट होल्स के लिए
हम चैम्फरिंग करने जा रहे हैं। ये हमारे दोनों होल सभी बिना विदाउट चैम्फरिंग है, इस होल की हम चैम्फरिंग कर रहे हैं। चैम्फरिंग के बाद देखिएगा कैसा दिखता आपको होल। ये हमने तीनों बोल्ट होल्स की चैम्फरिंग कर ली है। आफ्टर चैम्फरिंग आपका ये इस प्रकार से दिख रहा है। तो कुछ एडिशनल नॉलेज और भी दे देता हूँ, जैसा कि ये हमारा 1:12 स्लीपर है, टर्न आउट स्लीपर, वहाँ तक थ्रो आउट। ये मेरी पेंड्रोल क्लिप है जो कि स्लीपर के ऊपर आपका रेल को फिक्स करने काम आती है। ये इंसर्ट हो गया इसका, ये इसका लाइनर होता है, दिस वन इज लाइनर। इसके नीचे आपकी ये रबड़ पैड होती है, ये रेल हो गई। ये हमारी रबड़ पैड है जो लाइनर के नीचे लगती है। और टर्नआउट के स्लीपर के नीचे हमारी दूसरी लाइन लगती है, सॉरी दूसरी रबड़ पैड लगती है। ये टर्नआउट स्लीपर्स हैं। तो ये हमारी बीयरिंग प्लेट होती है, बीयरिंग स्क्रू, आपके जो ये टर्नआउट स्क्रूज होते हैं, इसके नीचे भी आपकी बड़ी प्लेट लगती है रबड़ पैड। वो रबड़ पैड मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। तो जैसे ही हमारा ये प्रोसेस हुआ, फाइनल प्रोसेस था भाई, पहले हमने रेल को कट किया, रेल को कट करने के बाद बोल्ट होल्स किए, बोल्ट होल्स होने के बाद ये हमने उसकी चैम्फरिंग करवाई। चैम्फरिंग करवाने के बाद ये हमारी फिश प्लेट होती है और नीचे आपके फिश बोल्ट एंड फिश नट लग जाते हैं। और ये हमारा अर्थिंग क्लिप है जो कि आपकी OHE लाइन है, मान लीजिए जैसे इस प्रकार से OHE लाइन, तो OHE लाइन के अर्थिंग के लिए आपकी अर्थिंग क्लिप होती है। ये हमारे ऑर्डिनरी स्लीपर्स होते हैं, दीज आर ऑर्डिनरी स्लीपर्स। ये हमारी रबड़ पैड जिसकी 6 mm थिकनेस होती है, ये टर्नआउट स्लीपर्स पर आपकी जो भी आपका बीयरिंग प्लेट या फिर स्लाइडिंग चेयर को फिक्स करवाने के काम आती है। ये हमारा टर्नआउट स्लीपर है, देखिए टर्नआउट स्लीपर्स। ये मेरा, मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 1:12 60 kg। तो इन बोल्ट होल्स में, इन होल्स में और इस होल्स में आपका टर्नआउट की लाइन, जैसे हमारा पॉइंट एंड क्रॉसिंग के केस में यहाँ पर लाइन अलग निकल जाती है, तो यहाँ पर हमारा टर्नआउट स्क्रूज लगते हैं। तो लगने के बाद ये इस प्रकार से दिखता है, देखिएगा ध्यान से। एग्जांपल ये देखिए, ये हमारा टर्नआउट स्लीपर्स के ऊपर मैंने ये बीयरिंग प्लेट लगा दी, तो इसके नीचे हमारा रबड़ पैड भी लगाया मैंने इसके नीचे जस्ट, और ये मेरा टर्नआउट स्क्रू हो गया। ऐसे ही हमारे 1:85 के टर्न आउट स्लीपर्स भी होते हैं, जैसा कि मैं फ़िलहाल में ये एक लाइन को अलग निकालने जा रहा हूँ। इस पर्टिकुलर लाइन से मैंने ये लाइन आज मैं अलग निकालने जा रहा हूँ, तो बेसिकली यहाँ से मेरा एक SRJ बनने वाला है, दैट इज़ स्टोक रेल ज्वाइंट बनने वाला है। तो स्टोक रेल ज्वाइंट से हमने ये लाइन को अलग निकाल दिया, जहाँ तक भी ये आपका पूरा कवरअप होगा कम्प्लीटली। आप देख रहे हैं स्लीपर्स की टाइप्स, डिफरेंट स्लीपर्स में आपका जैसे कि पेंड्रोल क्लिप है, ये देखिए एग्जांपल। ये हमारा जैसे हम लोग रेल को स्लीपर में फिक्स करने के लिए पेंड्रोल क्लिप, उसके नीचे ये लाइनर होता है, दिस वन इज लाइनर, और इसके नीचे हमारी एक रबड़ पैड भी लगती है, दिस वन, ये हमारी रबड़ पैड होती है। पेंड्रोल क्लिप को हम लोग ERC भी बोल देते हैं। ये रबड़ पैड होती है जो लाइनर के रेल के नीचे लगती है, जो कि वाइब्रेशंस को आपका एब्जॉर्ब करती है, कंट्रोल करती है। तो आप डिफरेंस यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये हमारे जो होल्स हैं ये चैम्फरिंग हो रखी है और इनकी चैम्फरिंग नहीं हो रखी है। तो फिश प्लेट लगाने से पहले हमें चैम्फरिंग की रिक्वायरमेंट होती है,
ये स्लीपर हमारा 1:30 स्लीपर है, 1:8.5, 8.5, 1:30 स्लीपर्स हैं, कोई भी ले लीजिए, चाहिए ले लीजिए। 1:30 स्लीपर्स, टर्नआउट स्लीपर्स होते हैं ये भी, ये देखिए 1:30 स्लीपर्स। जैसे कि मेरी ये लाइन आ रही है, जैसे मैं लाइन को बाईफर्गेट करवा रहा हूँ, तो इसको एक अलाइनमेंट में प्रोवाइड करवाना, उसको हम लोग फैन सेफिंग बोलते हैं, फैन सेफिंग लाइक दिस। यहाँ पर इसका और इसका अलाइनमेंट नहीं मिल रहा है, तो मुझे पहले इस स्लीपर को पहले शिफ्ट करवाना पड़ेगा, तब जाकर के ये फैन सेप टर्नआउट आपका ये एक सेप को ले पाएगा। सो माई डियर फ्रेंड्स एंड माई डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार की वीडियोज़ के साथ आपके साथ मैं मिलता रहूँगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड कीप लर्निंग। ये देखिएगा हमारी रेल कटिंग कैसे होती है, जब रेल के कुछ समय पीसीज रिक्वायर्ड होते हैं तो कंप्लीट रेल की कटिंग हम कटिंग मशीन के द्वारा ऐसे करवाते हैं। ये हमारी कटर मशीन है, ये हमारा ड्रिल मशीन है, हमें रेल के कुछ पीसेस जब जोड़ के कंप्लीट कोई भी ज्वाइंट बनाना पड़ता है पीस प्लेट से, या फिर एटी वेल्डिंग करनी पड़ती है, तो हमें उस प्रकार से रेल की कटिंग करवानी पड़ती है। पीस प्लेट के लिए, बोल्ट के लिए, पीस बोल्ट के लिए होल करने के लिए हम लोग इस मशीन का यूज़ करते हैं। ये ड्रिल मशीन होती है रेल में ड्रिल करने के लिए। ये हमारा CMS क्रॉसिंग है, यहाँ पर भी अपने पॉइंट एंड क्रॉसिंग होती है, ये हमारा क्रॉसिंग है। ये हमारी रेल कट हो गई है 2 पीसेस में इस पार्टिकुलर लोकेशन पर। ये हमारा CMS क्रॉसिंग ज्वाइनिंग है, और ये हमारा स्विच है, यहाँ से जैसे कोई भी पोर्शन है, हाँ चेक रेल में, अंदर वाला चेक रेल हो गया। ये देखिए कैसे लाइन बाईफर्गेट होती हैं एक पार्टिकुलर लाइन से। ये हमारी CMS क्रॉसिंग, ये पोर्शन में आपके अंदर वाली चेक रेल होती है, बाहर वाली स्टॉक रेल हो जाएगी, ये आपका स्विच हो जाएगा। जब आपकी डिग्री ऑफ कर्व मोर देन 7 डिग्री होता है तो उस टाइम पर हमारा ये एडिशनल चेक रेल इज प्रोवाइडेड।
जो एडिशन चेक रेल है ये कर्वेचर को कंपनसेट और बैलेंस करने के काम आता है, सिर्फ दैट कि आपकी जो ट्रेन है वो ओवर टर्न ना कर जाए। ये हमारा स्विच होता है, लगाने से पहले दिखा रहा हूँ स्विच। यहाँ पर मुझे स्विच डालना है तो इसलिए यहाँ पर मैंने दो स्विच डाल दिए हैं, ये अभी इनको फिक्स नहीं किया है। ये देखिए, किसी भी रेल में ना आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि कैसे हमने रेल को कट किया है, तो कट करने के बाद हमें रेल के अंदर होल करने पड़ते हैं फिस प्लेट फिक्स करवाने के लिए। तो ये होल है, ये होल होने के बाद इनकी ड्रिलिंग होने के बाद इनकी चैम्फरिंग करवाई जाती है, सच दैट कि सीयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूनिफॉर्म हो जाए।